अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इजाज़ कुलजम और आप देख रहे हैं टाइम स्टूडियो। फ्रेंड्स, पहले तो हम प्रैक्टिकल वीडियो कुछ बनाई हैं, आज इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए एक लेके आया हूँ। हम चाहे सनदकार हों, हम ज़िम्मेदार हों या फिर हम दुकानदार हों, हम कुछ ना कुछ तो बेचते हैं और किसी भी चीज़ को बेचने के लिए उसके लिए मार्केट का सहारा लिया जाता है। और मार्केटिंग के तीन असूल हैं, एक तो है क्वालिटी, एक है पब्लिसिटी और एक है मार्केटिंग। इन तीन चीज़ों के अंदर हम कोई भी दो अगर चीज़ें ले लेते हैं तो हमारी प्रोडक्ट कभी भी पीछे नहीं रहती, वो आहिस्ता 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 रन करना शुरू हो जाती है। तो बेहतरीन तरीका यही है कि इन दो चीज़ों के अंदर हम रहें। क्वालिटी ये मस्ट है, इनके अलावा पब्लिसिटी और मार्केटिंग, इन दोनों में से कोई एक साथ चूज़ कर ले तो आपकी प्रोडक्ट कभी भी पीछे नहीं रहेगी। मुझे याद है अमेरिका के अंदर एक आदमी था, उसने अपने बेटे से बोला, जॉन ये मेरी एक पुरानी टी शर्ट है, ये कितने की होगी? उसने कहा, पापा ये $1 की है। उसने बोला, जॉन इसको आपने $2 में बेचना है। अच्छा, जॉन ने ये नहीं कहा कि ये कैसे बिकेगी पुरानी $2 में? उसने कहा, हाउ कैसे कैसे कैसे, आइडिया, कम। उसने सोचा, उसने वो टी शर्ट ली, उसको धोया, प्रेस किया, प्रेस करने के बाद वो मार्केट चला गया, बाज़ार चला गया, हैंगर के अंदर उसने हैंग किया उसको और खड़ा रहा 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, हत्ता कि 8 घंटे के बाद वो टी शर्ट $2 में बिक गई। वो घर आया, उसने बोला, पापा मैंने $2 की वो टी शर्ट बेच दी। उसका पापा बहुत खुश हुआ, कहता, बेटा वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत कमाल किया। अच्छा बात सुनो, अब ये एक और टी शर्ट है, ये कितने की होगी? उसने बोला, पापा $1। उसने बोला, आज इसको तुमने $5 की बेचनी है। उसने ये नहीं कहा, जॉन ने ये नहीं कहा कि ये $5 की पुरानी टी शर्ट कैसे बेचूंगा, ये नहीं बिक सकती, उसने ये नहीं कहा। उसने बोला, हाउ, कम आइडिया आया। उसने उसको धोया, उसको प्रेस किया, प्रेस करने के बाद वो दोबारा उसको मार्केट में लेके गया, तरदत किया, फिरता रहा, टाइम 5 घंटे लगे, वो टी शर्ट बिक गई। घर आया, अपने पापा को पैसे दिए, पापा बहुत खुश हुआ और उसने एक और टी शर्ट निकाली। उसने बोला, बेटा ये टी शर्ट कितने की है? जॉन ने बोला, पापा $1। उसने बोला, बेटा आज इसको $20 में बेचना है। उसने ये नहीं कहा कि पापा ये नहीं बिकेगी, उसने कहा, हाउ कैसे, कम आइडिया, सोचा। ओ, उसने टी शर्ट को धोया, उसको अच्छे से प्रेस किया, बाज़ार से एक मिकी माउस का बड़ा सा स्टिकर लिया, उसके ऊपर लगाया, उसको हैंग किया, मार्केट चला गया, टाइम लगे 2 घंटे, वो $20 की बिक गई। वो घर आया, उसने कहा, पापा मैंने बेच दी। उसका, वेरी गुड, कमाल कर दिया आपने तो। जॉन, तुम कभी भी नाकाम नहीं हो सकते, तुम एक कामयाब बिजनेसमैन हो। ये एक और टी शर्ट है, इसको $100 में बेचना है, क्या कीमत होगी इसकी? पापा $1, लेकिन इसको $100 में बेचना है। जॉन ने ये नहीं कहा कि ये नहीं बिकेगी, उसने बोला, हाउ कैसे, कम आइडिया। रात गुजर गई, सोच रहा था कैसे बेचूंगा, $100 की कैसे बेचूंगा, वो भी पुरानी टी शर्ट। उसने धोया, उसको प्रेस किया और सोच में पड़ गया, इसको कैसे बेचना है। टीवी लगा था, पता चला कि उस इलाके में हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस आ रही है। उसने वो टी शर्ट पकड़ी, हैंगर में लगाया और कैसे भी करके सिक्योरिटी को, पुलिस को धोखा दे के वो अंदर घुस गया और उस एक्ट्रेस के पास चला गया, बोला, मैडम आई एम योर बिग फैन, प्लीज़ साइन हियर, ऑटोग्राफ। उस एक्ट्रेस ने उसे ऑटोग्राफ दिया, वो वापस आया,
और सोचा कि इसको मैं कहाँ सेल करूँगा। वो शहर के एक सबसे अमीर तरीन स्कूल के पास चला गया जहाँ पे अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। उसने हैंग किया, छुट्टी हुई और बोला टी शर्ट $100, इस पे फला एक्ट्रेस का ऑटोग्राफ है। एक आदमी बोला मैं लूँगा, दूसरे ने बोला मैं $200 देता हूँ, तीसरे ने बोला मैं $500 देता हूँ, छठे ने बोला मैं $1,000 देता हूँ। उसने वो 20 मिनट के अंदर वो टी शर्ट $1,000 में बेची। मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को बेचने के लिए उसकी प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, उसकी मार्केटिंग का स्टाइल बहुत अच्छा है। अगर स्टाइल अच्छा है तो वो चीज़ पीछे नहीं रहेगी, वो भागेगी, बिकेगी। शर्त यही है कि उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, बेचने का स्टाइल अच्छा होना चाहिए, तो हर चीज़ बिकती है। आज तक के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।